सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं मुंबई मेट्रो के अंदर। तो अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई मेट्रो लेन 3 स्टार्ट हो चुकी है और वही हम देखने के लिए आज ट्रेवल करने वाले हैं मुंबई मेट्रो के अंदर। तो हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं कांडिवली अक्रोली स्टेशन से BKC तक। तो हम लोग वही चेक करने वाले हैं कितना टाइम लगता है जाने में, क्या प्राइसेस हैं। मैं इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा कि लोकल में ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, क्या प्राइसेस हैं, और मेट्रो में ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, क्या प्राइसेस हैं। तो अक्रोली रोड से BKC तक जाने के लिए मुझे 3 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। फर्स्ट मुझे जाना पड़ेगा अक्रोली रोड से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जाके मुझे ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। वहाँ से मुझे जाना पड़ेगा मरोल नाका, और फिर मरोल नाका से मुझे ट्रेन चेंज करके मुझे जाना पड़ेगा BKC। तो मुझे 3 बार ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कौन सा स्टेशन है और नाम क्या है, एक्चुअल में यही नेम है या फिर वहाँ जाके कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो सब कुछ मैं वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ग्रोवेल मॉल के पास, एंड ये कांडिवली ईस्ट के अंदर है। एंड यहाँ से लोकल स्टेशन एंड मेट्रो स्टेशन दोनों अप्रोक्स सेम डिस्टेंस पे है, 1/2 किलोमीटर पे। अभी मैं आ गया हूँ अक्रोली स्टेशन, एंड यहाँ से मुझे जाना है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। तो यहाँ से जल्दी से टिकट ले लेते हैं, एंड टिकट यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का 20 रुपीज़ पर पर्सन है। अंदर एंटर करते ही सामने ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल्स में बता रखा है कि कौन से स्टेशन पे जाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना रहेगा। तो हमें जाना है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, तो मैं चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। मुंबई मेट्रो के अंदर ट्रेवल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लोकल ट्रेन से सेफ है, बिकॉज लोकल ट्रेन में आपने देखा होगा हमें कई बार बाहर लटक के भी जाना पड़ता है, एंड मेट्रो पूरी पैक रहती है, तो यहाँ पे मोबाइल एंड पर्स चोरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये सारे मेट्रो स्टेशन्स के नाम हैं जहाँ जहाँ पे ये ट्रेन रुकने वाली है। तो मैंने यहाँ ट्रेन में पता करा तो मुझे मालूम पड़ा कि मुझे उतरना पड़ेगा गुंडावली, एंड मुझे इंटरनली प्लेटफॉर्म चेंज करके मुझे जाना पड़ेगा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन। यहाँ सीढ़ी से मैं नीचे उतरा हूँ, एंड यहाँ से मुझे यू टर्न लेके चल के जाना रहेगा अप्रोक्स 1/2 किलोमीटर। गुंडावली से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे स्टेशन इंटरनली चेंज हो जाएगा, एंड स्टेशन चेंज करने में मुझे अप्रोक्स टाइम लग रहा है 7 मिनट्स। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन पे फूड एंड ड्रिंक्स के स्टोर भी हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स, KFC, स्टारबक्स एंड मेनी मोर। सो मैं आ गया हूँ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एंड यहाँ से मुझे टिकट लेना है मरोल नाका के लिए। यहाँ से मुझे लेना है प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो ट्रेन घाट कोपर तक जाएगी, एंड ये है रेड लाइन। सो रेड लाइन को स्टार्ट हुए हुए अप्रोक्स हो चुका है 2 ईयर्स। सो यहाँ पे क्राउड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, एंड ये है सारे स्टेशन के नाम जहाँ जहाँ पे ये ट्रेन रुकने वाली है। सो हमें उतरना है टेक्नो मरोल नाका। तो मैं उतर चुका हूँ टेक्नो मरोल नाका, एंड यहाँ से मुझे स्टेशन से बाहर निकलना रहेगा। बाहर निकल के फिर मुझे एक्वा लाइन के लिए दूसरा मेट्रो स्टेशन पे जाना रहेगा। तो दोनों मेट्रो स्टेशन में इतना दूरी नहीं है, अप्रोक्स 100 मीटर का डिस्टेंस है। सो यहाँ से उतरते ही बिल्कुल इसके पास मेट्रो स्टेशन है, एंड एक्वा लाइन पूरा अंडरग्राउंड बना है, एंड यहाँ पे नीचे उतरने के लिए एस्केलेटर नहीं है, तो सीढ़ी से नीचे जाना रहेगा। सो यहाँ पे मैंने टिकट ले लिया है, 40 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ पे टिकट है, एंड यहाँ पे अभी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ कैश पेमेंट ही अवेलेबल है। एंड यस, यहाँ पे एस्केलेटर अवेलेबल है। सो यहाँ पे ग्राउंड लेवल से 2 फ्लोर नीचे प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो एस्केलेटर है वो इतनी लंबी एस्केलेटर है कि यहाँ से मुझे नीचे पहुँचने में अप्रोक्स 1.5 मिनट लगेगा। तो मुझे टेक्नो मेट्रो स्टेशन से लेके नीचे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का जो समय मुझे लगा है वो अप्रोक्स लग रहा है 7 मिनट्स। सो यहाँ पे सिर्फ अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही ट्रेन चालू है, एंड ये ट्रेन लास्ट BKC स्टेशन तक ही जाएगी, एंड एक्वा लाइन चालू हुए हुए सिर्फ 1 वीक ही हुआ है, तो यहाँ पे क्राउड अभी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये सारे स्टेशन के नाम हैं जहाँ जहाँ पे ये ट्रेन रुकने वाली है, बट फिलहाल BKC इज द लास्ट स्टॉप, बिकॉज आगे के स्टेशन पे अभी काम चल रहा है।
सो इस मेट्रो लाइन पे एयरपोर्ट टर्मिनल 1 एंड 2 दोनों के लिए स्टेशन अवेलेबल हैं एंड काफ़ी बड़े स्टेशन हैं एंड दोनों स्टेशन एंड टर्मिनल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, तो ये काफ़ी ईजी हो गया है एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए। हम पहुंच चुके हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC एंड स्टेशन का नाम है कोटक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एंड इस स्टेशन पे दोनों साइड में प्लेटफॉर्म है एंड फिलहाल के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही ट्रेन अवेलेबल है, बाकी जगह बंद है। प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड बिल्कुल सिंपल प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो हमें यहाँ से वापस 2 फ्लोर ऊपर चढ़ना है। यहाँ ऊपर आते ही आप स्टेशन को देखिए, ये साइज इतनी बड़ी है स्टेशन की, यहाँ पे रोजाना लाखों में लोग इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, यहाँ पे बेसिकली पूरा एक ट्यूब ट्रेन जैसा इसको बनाया है मेट्रो को, और ये पूरा इसमें बता रखा है कंस्ट्रक्शन के कैसे इन्होंने काम शुरू करा, कैसे चला, ये पूरा वर्किंग का प्रोसेस बता रखा है कि किस तरीके से यहाँ पे वर्कर्स ने काम करा है, कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है, पूरा मशीनरी का, ये मशीनरी का बता रखा है जो मशीनरी ने पूरा होल करा है। ये BKC मेट्रो स्टेशन है, ऊपर ये BKC है और अंडरग्राउंड में ये प्लेटफॉर्म वगैरह सब दे रखे हैं। टिकट्स के लिए यहाँ पे मशीन्स भी अवेलेबल हैं, बट फिलहाल ये ऑपरेशंस में नहीं है, बट ये भी विद इन 1 वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ से बाहर और देखते हैं ऑफिस कनेक्टिविटी के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस स्टेशन पे भी बहुत सारे वर्क अभी पेंडिंग हैं, यहाँ पे भी एस्केलेटर अभी काम नहीं कर रही है, थोड़ा ये यहाँ तकलीफ रहेगी, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है चढ़ने में तो इसको इग्नोर ही करें। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाहर, मेट्रो स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने ऑटो का भी मैंने पता करा, तो शेयरिंग ऑटो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है मिलना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लोकल स्टेशन से शेयरिंग ऑटो आ रहे हैं और यहाँ पे प्राइवेटली यहाँ पे ऑटो मिल जाएंगे और बसेस भी मिल जाएगी, यहाँ पे डबल डेकर भी मिल जाएगी, बट तुरंत बस नहीं मिल रही, ऑटो रिक्शा तुरंत मिल जाएंगे। मेरे को ऑटो चार्जेस अगर मैं काउंट करूँ तो ऑटो चार्जेस काउंट करके अप्रोक्स 150 रुपीज़ मेरा टोटल पड़ रहा है। तो अगर मैं बोरीवली से या फिर जहाँ से मैं चढ़ा हूँ आकरोली स्टेशन से, बेसिकली कांडीवली है, कांडीवली से मैं चढ़ के यहाँ BKC आया हूँ, तो मेरा टोटल चार्जेस 150 रुपीज़ पड़ रहा है। स्टेशन आने का, स्टेशन से ऑफिस जाने का वन टाइम का चार्जेस है 150 रुपीज़, और मैं वापस जाता हूँ तो 150 रुपीज़, तो टोटल मेरा हो गया 300। तो जो चार्जेस हैं वो मुंबई सिटी के हिसाब से थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, गलत वे में मत लीजिएगा, क्योंकि मुंबई एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे अमीर से अमीर भी ले रहे हैं और लोअर से लोअर क्लास भी लोग ले रहे हैं। तो अब के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मेट्रो थोड़ा महंगा पड़ रहा है, बट हाँ यहाँ पे AC कोचेज हैं और इतना ट्रैफिक अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूँ दिल्ली मेट्रो की, अगर मैं बात करूँ तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बन चुका है, बहुत टाइम हो चुका है उसको बने हुए, वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो अभी प्रॉपर नहीं हो पाई है, क्योंकि स्टेशन से उतर के वापस यहाँ से कनेक्टिविटी होना थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। और जो दिल्ली से मैं कंपेयर नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं कंपेयर करूँ लोकल की यहाँ से, क्योंकि मेरे को सेम डेस्टिनेशन पे जाना है, तो अगर मैं कांडीवली से जब मैं चढ़ा हूँ तो कांडीवली से चढ़ के मेरे को डायरेक्ट ट्रेन बांद्रा की मुझे मिल जाएगी, जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज़ में मेरे को यहाँ लेके आ जाएगी। और यहाँ से और लोकल स्टेशन से मैं जब ऑटो लेके जाता हूँ तो मेरे को शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा, वो भी मेरे को 50 रुपीज़ वहाँ देना पड़ेगा, एंड 50 रुपीज़ जब मैं देता हूँ तो टोटल मिला के मेरा 50+20 रुपीज़ अगर मैं मैक्सिमम मान लूँ तो भी मेरा 70 रुपीज़ मेरा टोटल हो रहा है। 70 रुपीज़ को अगर मैं कंपेयर करूँ 300 रुपीज़ से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 300 रुपीज़ और उसके सामने 70 रुपीज़, तो मुंबई के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मेट्रो को यूज़ करना या फिर लोकल को यूज़ करना। दोनों में बहुत सिमिलरिटीज़ भी है, बहुत डिफरेंसेस भी हैं। मेट्रो में ये चीज़ अच्छी है कि AC कोचेस मिलेंगे, और मुंबई की गर्मी इतनी ख़तरनाक है कि आप AC कोचेस में बहुत अच्छे से आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ट्रैवल टाइम की बात करूँ तो ट्रैवल टाइम जो है वो
लोकल में थोड़ा कम रह रहा है क्योंकि 40 मिनट्स में मैं बोरीवली से बांद्रा तक जा सकता हूँ, उसके बाद में मैं ऑटो से अगर मैं जाता हूँ ऑफिस तो मुझे 20 मिनट्स लगते हैं, तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो एक घंटा रहता है। और वही मैं मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो मेट्रो में मैं कांडिवली से चढ़ा हूँ, कांडिवली से मुझे BKC तक आने में मुझे 1.5 आवर लग गया है, और यहाँ से जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरे को 10 मिनट्स और लगेगा, तो क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक इतना है कि मुझे 10 मिनट तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा ऑफिस पहुँचने में, मैं ऑटो से जाऊँ चाहे बस से जाऊँ, तो वो मेरा ज़्यादा हो रहा है, अप्रॉक्स 2 आवर ही पूरा हो गया वो, तो 2 आवर पूरा हो गया। उसके सामने अगर मैं 1 घंटा लूँ और 1 घंटे के सामने 2 घंटा लूँ तो भी लोकल ज़्यादा बेटर ऑप्शन मेरे को लग रहा है अभी भी। और अभी के मैं कंपेयर अभी के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर के हिसाब से बिल्कुल नहीं बोल रहा, गलत में बिल्कुल मत लीजिएगा मुझे, अभी का कंपेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो अपनी जगह सही है और लोकल जो है वो सबके लिए बेटर है, क्योंकि लोकल की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मैं फिर से बोलूँगा मेट्रो की कनेक्टिविटी अभी अच्छी नहीं है और बहुत गर्मी है, मेरे को अभी भी इतना पसीना आ रहा है यहाँ पर, इतनी धूप है। तो मैं यहाँ तक इतना आपके लिए आया हूँ, पूरा चल के पूरा देखने के लिए, कंपैरिजन में आपके लिए ही कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए चीकू साक्षी व्लॉग्स। एंड और कोई वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, या फिर और कोई सवाल जवाब आपको करना है तो मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ के। बहुत सुंदर स्टेशन है, ट्रेन बहुत अच्छी है, एंड मैं यही बोलूँगा इन द एंड के जो सर्विसेज है मेट्रो की वो ध्यान से यूज़ करें, ख़राब ना करें। एंड देखते रहिए चीकू साक्षी व्लॉग्स। जय हिंद।